नमस्कार, राजधानी जयपुर में गैंगवार की एक बड़ी वारदात सामने आई है। जयपुर में मंगलवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने स्ट्रीट हेटर अजय यादव की हत्या कर दी। 6 बदमाश 2 स्कूटर पर सवार होकर आए और बनी पार्क में राम मंदिर पास कॉलोनी में रेल फाटक पास चाय की तड़ी के बाहर बैठे अजय को पहले 2 गोली मारी और इसके बाद पास में पड़े पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश फरार हो गए। इसके बाद जयपुर एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे जयपुर में इस श्रेणी की हथियारबंद नाकाबंदी कराई गई। बता दें कि स्ट्रीट हेटर अजय यादव खिलाफ 9 मुकदमे पहले से दर्ज है। उसकी हत्या गैंगवार में होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12:30 बजे अजय अपने साथी सौरभ के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर सूतमिल कॉलोनी में राम मंदिर पास आया था और वह चाय की थड़ी के पास गाड़ी में बैठा था। तभी 2 स्कूटी पर सवार 6 बदमाश आए और उन्होंने फायरिंग कर दी और इसके बाद उन्होंने स्ट्रीट हेटर अजय यादव का सिर फोड़ दिया। घटना के दौरान कुल 5 राउंड फायर किए गए। पुलिस अजय के साथ मौजूद सौरभ और घटना के वक्त मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से बदमाशों की उल्लेख बारे में पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। फायरिंग की सूचना मिलने पर बनी पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और एक एक फायरिंग की आवाज़ सुनकर लोग सहम गए। सभी इधर उधर भागने लगे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अजय यादव को SMS अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल बदमाशों का कोई भी सुरागात नहीं लगा है। गौरमतलब है कि इससे पहले ही अजय यादव ने 2015 में गगन पंडित पर जानलेवा हमला कराया था। इस दौरान जयपुर के जवाहर नगर में फायरिंग की गई थी, लेकिन अब जयपुर में यह गैंगवार की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां मंगलवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने स्ट्रीट हेटर अजय यादव की हत्या कर दी।